स्वास्थ्य शिक्षा स्वरोजगार की समर्पित संस्था सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक बार फिर से समाज के विभिन्न आयामों में अपना अप्रतिम योगदान देने के लिए एक दर्जन से अधिक लोगों को पुरस्कृत किया गया है। सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अखलाक अहमद ने सबके उज्जवल भविष्य की कामना की है। 2 अक्टूबर को सबको प्रशस्त पत्र देते हुए डॉक्टर अखलाक अहमद ने कहा कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग अपना अप्रतिम योगदान दे रहे हैं उनको पुरस्कृत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ग्लोबल पीस अवार्ड 2023 के रूप में सम्मानित किया गया है। जिन लोगों को सम्मानित किया गया है उनमें डॉक्टर रंजन मुखर्जी, डॉक्टर प्रशांत मुंडेजा, मिस्टर शमसुन लोबो, निशा सैनी, अंजलि सिद्धराम जाधव, डॉक्टर सैनी रुस्किन आर, डॉक्टर के रमेश राव, डॉक्टर अशोक कुमार पांडे, डॉक्टर गुंजा आर्य, मयंक विश्वकर्मा, डॉक्टर राजनाथ चौधरी, भोरा सोलंकी, सीडीआर अशोक कुमार, डॉक्टर राज दीवान, डॉक्टर सत्येंद्र विश्वास, श्रीमती सुप्रीति विश्वास का नाम प्रमुख है। डॉक्टर अखलाक अहमद ने कहा कि सभी पुरस्कृत प्रतिभागियों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट सदैव ऐसे लोगों जो समाज और राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण भाव दिखाते हैं उनको सम्मानित करता रहता है। सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट एक बार फिर से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जानकारी बता दें, सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट एक स्वयंसेवी संस्था है जो शिक्षा, स्वरोजगार और स्वास्थ्य के लिए समर्पित संस्था है। लगातार देखते रहिए ताजा खबरों के लिए पब्लिक वाइब।